मेरा जीवन एक साधारण लड़कियों वाला जीवन नहीं था कि बड़े होना फिर पढ़ाई करना फिर शादी हो जाना फिर बच्चे पैदा करना, ये मेरा बिल्कुल भी माइंडसेट नहीं था। जलन नहीं थी, एक पैशन था कि मुझे एक लड़की होके कुछ करना है, मुझे इंडिपेंडेंट बनना है। तो मेरा एक डिज़ायर था कि मेरे को स्टडी ज़्यादा नहीं करना है, स्टडी के साथ मुझे कोर्स करना है ताकि मैं अपने माँ बाप को कमा के दे सकूँ और मैं इंडिपेंडेंट बन सकूँ। तो मेरा लाइफ में मेरा एक ड्रीम था कि मुझे एयर होस्टेस बनना है, बट मुझे कुछ समय बाद पता चला कि मेरे पापा के बिज़नेस थे, सारे बिज़नेस ख़राब हो गए, कभी बिज़नेस पार्टनर्स ने उनको चीट किया ऐसे ऐसे करके। तो हमारे घर में बिल्कुल भी फाइनेंशियल बिल्कुल ऐसा था, कहीं से भी कोई वे नहीं था कि हमें कोई मदद कर सके। फिर मैं दिन पे दिन हमारे घर पे छत थी, तो ब्रेकफास्ट करना छत पे बैठ जाना, लंच करना छत पे बैठ जाना, डिनर करना छत पे बैठ जाना, क्योंकि पैसे होते नहीं थे, बाहर जा नहीं सकते थे, घर पे बैठे रहते थे तो घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता था, छत पे जाके बैठ जाते थे। तो एक दिन की बात है, हम किसी के घर गए थे हम किसी काम के लिए, तो वहाँ पे एक आंटी थी, उन्होंने मुझे जीसस के बारे में बताया। जब वो मुझे बता रही थी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे लग रहा था कि मुझे क्यों जीसस के बारे में बता रही है, मुझे क्या करना है जीसस के बारे में, बिकॉज दैट टाइम आई वॉज सो होपलेस, आई वॉज सो डिस्करेज। फिर उन्होंने मुझे पटेल नगर चर्च में आने के लिए बोला, मैंने कहा आंटी मैं आ जाऊँगी कोई बात नहीं। तो मुझे लगा मेरे जीने का कोई कारण नहीं है, लोगों को देखती थी, बच्चों को देखती थी, तो कोई कॉलेज जा रहा है, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई स्टडी करने जा रहा है, सबके जीवन में खुशियाँ थी, मेरा जीवन तो ऐसा कुछ होता ही नहीं था। मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ बात करना बंद कर दिया, रिलेटिव्स ने आना बंद कर दिया, ये बोल कर कि इस घर में कोई भी सक्सेस नहीं है। जिस छत पे मैं रहती थी टाइम स्पेंड करती थी, उसी छत से मैंने सोचा कि मैं यहाँ से जंप मार लूँगी। मगर मुझे बहुत डर सा आ गया एकदम से, तो उस दिन भी मैं बहुत रोई कि मरना चाहते हैं मर नहीं सकते, जीना चाहते हैं जीने के लिए कोई कारण ही नहीं है। मगर मुझे एकदम से याद आया कि उन आंटी ने मुझे जीसस के बारे में बताया था, मैं एक बार पटेल नगर चर्च जाके देख लेती हूँ, क्या पता मेरे जीवन में कोई नया टर्न आ जाए। तो मैं जब पटेल नगर चर्च आई, सब लोग प्रार्थना कर रहे थे, तो मैं उन लोगों को देख रही थी ये लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो मैंने आंखें बंद करके बोला, जीसस आपको मैं नहीं जानती हूँ, आप कौन हैं, आप क्या कर सकते हैं, बट मैं ये चाहती हूँ कि मेरे जीवन में बहुत सारा बर्डन है, आप इसको मेरे जीवन से दूर कर दो। तो मैंने यही प्रार्थना किया, और मुझे ऐसा लगा वो मीटिंग अटेंड करने के बाद कि मेरे जीवन से बहुत बड़ा हैवी वेट है वो ख़त्म हो गया, अब मैं बिल्कुल लाइट फील करने लगी। लोन के लिए एप्लीकेशन दी हुई थी, वो भी सेंशन नहीं होता था, क्योंकि कहीं से कोई वही नहीं था कहाँ से अर्निंग होती है, कहाँ से क्या होता है। तब अचानक से किसी ने, हमारे कोई रिलेटिव थे, उन्होंने बोला कि मैं आपका सिक्योरिटी दूंगा, आप लोन ले लो। तो ये सारे रास्ते तभी खुले जब मैं चर्च में, विद इन वन वीक में मेरे डॉक्यूमेंट्स भी बनने लग गए, मुझे लोन भी सेंशन हो गया, मेरे जीवन मतलब कि विद इन वन वीक में मेरा पूरा का पूरा जीवन बदल गया। आज मैं यहाँ पर हूँ, मेरे को जीसस को जाने में 7 साल हो गए हैं। अगर मैं जीसस को नहीं जानती और मैं वो कौन है, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती। मुझे स्पाइसजेट एयरलाइंस में मैंने जॉब किया, उसके अंदर मैंने 2 साल जॉब किया, मुझे जो बनना था मैं बनी, मेरे पापा का मेरी मम्मी का मैंने उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया। तो हमारे जीवन में जिस चीज़ में मेरे को जो बनना था जो करना था वो चीज़ तो मुझे मिला, मगर मुझे एक सच्चाई मिला इन सारी बातों में, मुझे एक जीसस मिले, मुझे एक परमेश्वर मिले। मैंने ये जाना कि चाहे आपके पास पैसा है, चाहे आपके पास दुनिया है, मगर आपके पास परमेश्वर नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है। अभी मैं मैरिड हूँ, मैं और मेरे पति दोनों प्रभु की सेवा करते हैं। मैं तो आई जब चर्च में थी, तब मैं यूथ ही थी, 19-20 साल की थी, तब से लेकर मेरी शादी तक अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कि इन दिस चर्च वी हैव अ गुड एटमॉस्फेयर, स्पेशली फॉर द यूथ्स आई फील।